आज इस दारुण कला की सदारत करते हुए मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी साहब, ताबी तरवेज साहब, नदवी साहब और डायस पर बैठे हुए तमाम लोग और हाजरीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहां मैं समझता हूं कि मेरी जरूरत नहीं थी और ना मुझे बोलना चाहिए, इसलिए यहां इतने आलिम दीन बैठे हुए हैं उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक इदारे से जुड़ा हूं जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं और वो इदारा और ये दारुल कजा अगर देखा जाए तो बहुत करीब का आपस में एक दूसरे से मामला है। हम एक इस्लाम मासरा चलाते हैं कि शादी ब्याह में कैसे कम खर्च में हमारे बच्चे निकाह करें, निकाह को आसान करें, दहेज न लें, बारात न जाएं, इन सारी बातों को करते हुए जो जानते और महसूस सब कुछ करते हैं लेकिन मानते नहीं है, आखिर में उसी सब का मसला बनता हुआ ऐतवादी जिंदगी में टकराव होता है। जब उनका टकराव होता है तो उसके लिए दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता तो अदालत का था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है, हम लोगों पर उसका एहसान है कि हमारे बीच में हमारे दिलदार नगर में एक दारुल कजा का कयाम हुआ और उसके लिए मैं सबसे पहले अरशद सिराज मक्की साहब को मुबारकबाद देता हूं। जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो इलाके में यहाँ पहले प्रोग्राम में आए थे तो मैं उस दिन से मेरी मुलाकात हुई और मौलाना बातिन साहब की जहाँ तक बात है तो मैं भी बनारस में रहता हूँ और उनसे तो हमारी बहुत पुरानी मुलाकात है, तो हमारे बीच में आप सबको देख के खुशी हो रही है। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी एक इल्तजा है कि आप लोग अपने अपने इलाके में जिस लायक हो अपने मोहल्ले में गांव में और इंशाल्लाह यहाँ शरई एतबार से उनको इंसाफ मिलेगा। और मैं खुद मैं जब भी आता हूं तो अपने दारुल कजा दफ्तर में जाता हूं और एक मसला मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक मसला दो लोगों के बीच में, दो गांव के बीच में, दो बच्ची और बच्चे के बीच में 3 साल से चल रहा था, हल नहीं हो रहा था। मुझे अरशद सिराज मक्की साहब ने बताया कि कलाम भाई ऐसा ऐसा मामला है, थोड़ी सी आप भी पहल करके देखिए। तो मैंने कहा कि भाई जब इतने साल से चल रहा है तो मेरी क्या औकात है उसमें, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार कोशिश करके देखिए। और मुझे कहते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी 3 कोशिशों के बाद वो दोनों फरीक आपस में मिल बैठ के और अपने मसले का हल किए और वो आज लड़की वाले अपनी जगह पे खुश हैं, लड़का वाला अपनी जगह पे खुश है। तो मैं ज्यादा मेरी अहलियत भी नहीं है न मेरी इतनी वो है, फिर भी मैं आप लोगों से इल्तजा कर रहा हूँ कि इस दारुल कजा के पैगाम को आप लोग अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने खानदान में बताइए कि हमें यहाँ आसानी है, हमें जो भी यहाँ फैसला मिलेगा शरई एतबार से मिलेगा। मैं इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह और रसूल के हिसाब से और कुरान और रसूल के उसके हिसाब से चलता है और उसी का हम लोग अमल करते हैं। तो दारुल कजा का अल्लाह का शुक्र है कि 1 साल से हो गया इसको चलते हुए और आगे भी चलेगा। उन्होंने जो भी काम किया है वो वाकई सराहनीय है, कोई शक की बात नहीं है। इसके साथ साथ दारुल कजा के साथ साथ हम लोगों ने एक
और अल्लाह का शुक्र है शायद पर्चा भी मिलेगा आप लोगों को या मिल गया होगा। एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल में हम लोगों ने जितने बच्चे यहाँ के हमारे इलाके में हैं जो दसवीं पास कर रहे हैं या बारहवीं पास कर रहे हैं उनको कैसे अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए और जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं आगे पढ़ाई कर सकते हैं उनको कैसे मदद की जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराई जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अलीगढ़ में जामिया में बीएचयू में इलाहाबाद में ले जाकर उनको एडमिशन कराया जाता है। इसके लिए आपके तमाम इलाका के जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है जो उनका इतना फायदे होंगे वो नहीं होगी कि उनका यहाँ से ताल्लुक ही नहीं है वो बाहर चले गए बाहर जाके बैठे हुए आने का नाम ही नहीं दिया दोबारा उनको हम लोग जोड़ रहे हैं कि भैया आपका इलाका है आपका घर है आप लोग आइए यहाँ अगर आपको घर नहीं है रहने का तो यहाँ पर हम लोग दिलदार इंतजाम करेंगे आप वहाँ पर रहिए दो दिन चार दिन रहते हैं उसको आप काम को करेंगे। तो इसमें भी आप लोगों से हमें मदद की जरूरत है और अपने मशवरे की जरूरत है कि इसको हम किस तरह कामयाब बनाए और अगर आपके इलाके में गाँव में घर में कहीं पर कोई बच्चा हो जिसको आगे पढ़ने में अच्छा हो और वो आगे पढ़ाई करना चाहता हो तो उसका ऊपर पर्ची पे नाम लिखा हुआ है ऊपर भी लिखे हुए फोन नंबर आप कंटेक्ट करिए इंशाल्लाह हम लोग मदद करेंगे। बाकी दारुल कला के लिए मैं औसत साहब का और तमाम टीम का हमारे काली साहब माशाल्लाह काफी इसमें मदद करते हैं और हम लोग जो भी मशवरा करना होता है उनसे करते रहते हैं और आप लोग इसकी मदद हम तभी करेंगे जब अपने यहाँ के किसी भी मसले मसाले को दारुल कला रिफर करें। अगर हम रिफर करेंगे दारुल कला भेजेंगे तो इंशाल्लाह हम सब की भलाई होगी। इसी बात के साथ में एक बात तो आपको एक दुआ के साथ यारब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे यारब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे जो कल को तड़पा दे। दिल्ली से तशरीफ लाए हैं यहाँ पे दारुल गज़ा की भी बहुत बहुत आपकी अहमियत है और आप यहाँ पे क्या रहे हैं इस सिलसिले में आप आम लोगों को क्या दावत देना है? दावत देखिए दारुल गज़ा जो है कि हाउस ऑफ जजमेंट है जहाँ पे फैसला होता है किसका होता है मुसलमानों के हक में नाजायज जायज़ का फैसला होता है जिसमें अल्लाह और रसूल के कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला होता है कुरान और हदीस से हट के कोई फैसला नहीं होता है दारुल क़ज़ा का जिसमें हर आम और ख़ास को पूरी इजाज़त है पूरी आज़ादी है आए और अपने रिपोर्ट को दर्ज कराएं दोनों फरीकों को बुलाकर और इस बात का फैसला किया जाता है और हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि दिलदार नगर जैसे इलाके में कहें दिलदार जैसे पिछड़े इलाके में दारुल क़ज़ा कायम हो गया है एक साल हो गया जिसमें 30 केस आने के बाद जो 22, 23, 24 केसों का फैसला हो गया बहुत बड़ी बात है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आगे भी हम लोग इसको जारी रखें। इसका टाउन का यहाँ तक सवाल है हम लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और जो भी काजी साहब का हो गया या जगह का किराए का होगा वो हम लोग आपस में मिलजुल कर उसको एनुअली हम उसको पूरा करें शुक्रिया इंशाल्लाह आगे भी कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं दारुल क़ज़ा का नाम सुना और जितनी मेहनतें हुई मैं अपने स्तर से भी उसमें लगा रहा और जो जो अड़चनें आती रही हम मक्की साहब के साथ मिल के और जिस तरीके से भी हम ताउन कर सकते थे हम करते रहे और उनकी हौसला अफजाई करते रहे कि ये इलाके के लिए बहुत बेहतरी का काम है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारा दारुल क़ज़ा जो है धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और जिसका एक साल मुकम्मल हो गया तो हम लोग जिस लायक हैं हम लोग ताउन करते हैं। हम कई बार अपने गांव के मस्जिद में भी खड़ा होकर मैं इस बात को कह चुका हूँ और इलाके में भी कहता हूँ कि अल्लाह ना करे किसी की अजवाजी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए अगर अजवाजी ज़िंदगी में किसी की भी परेशानी आती हो तो वो सरकारी अदालत में ना जाके दारुल क़ज़ा में आए इंशाल्लाह वहाँ उसको शरई तौर से दोनों को जो है इंसाफ मिलेगा और मिल रहा है
किसी भी दुनिया के हिंदुस्तान के अदालत में चले जाइए, कोई भी मामला 5-7-8 साल से कम में नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस दारुल कजा को 1 साल मुकम्मल हुआ, 28 मामले में जिसमें 22 और 23 हल हो चुका और दोनों फरीक खुशी खुशी अपने घर गए हैं। और कुछ जो है मैं 2-3 जो बाकी है वो भी फैसले के करीब है। और एक मसला तो मैं खुद जो 3 साल से मुसलसल चल रहा था, मुझे कहा गया तो मैंने अपने स्तर से तांग किया और उसका असर ये हुआ कि 3 साल के जो उनका सर्द जम चल रहा था मेरे 3 काउंसलिंग में ख़त्म हो गई। और आखिर में वो मसला फिर मैं दारुल कजा ले आया और यहाँ से इनको सनद मिला, दोनों अपने अपने घर खुशी के साथ गए। तो ये अल्लाह का करम है। मैं दारुल मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि आप आया आने के बाद इस जो दारुल कजा कायम किया गया है, क्या इसका कोई आम फहम नाम रखा जाए जिसे सभी लोग समझ सकें? दारुल कजा का जो नाम है, ये दारुल कजा को दारुल कजा ही कहा जाए, ये ऐसी जगह है जहां मुसलमानों के बैठ को मामलात को बैठ करके हल कराया जाता है। ये एक नाम मशहूर है, लोगों के यहाँ चला आ रहा है, तो दारुल कजा ही रखा जा रहा है, पुरानी रिवायत रही है, तो इसलिए इसको बाकी रखा जा रहा है। और इसको बहुत से लोग काउंसलिंग सेंटर वगैरह के नाम से भी जानते हैं, लेकिन चूँकि एक हमारा नाम चला रहा है उसी नाम को हम बाकी रखें। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि लोगों को चाहिए, जो हमारे चीफ जस्टिस ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट के, कि लोगों को चाहिए कि हम अपने मसाइल को अपने तौर पर हल करने की कोशिश करें। तो मुस्लिम कम्युनिटी से हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपने मसाइल को पहले दारुल कजा लाएं, दारुल कजा से अपने मसाइल को हल करें। अगर वहाँ से नहीं हल हो तो फिर हमारे लिए अदालतें हैं जो मुल्क की अदालतों में जाएंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा उसी को हम कहते हैं कि हम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि अपने झगड़ों को बैठ करके पहले अदालत के बाहर हल कर लें, अदालतों पर हम बोझ और प्रेशर ना बनाएं, ये हम कोशिश करते हैं। इसी मैं एक आम चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे, कि इस वक्त जो देश के हालात हैं, इस हालात में आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या मतलब देश के जो हालात हैं, लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों के साथ, लोगों से यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पैगाम है कि हम लोग मुत्तहिद होकर के इत्तेहाद के साथ सारे कम्युनिटी को मिल करके भाईचारगी को बढ़ाएं, और इस मुल्क को हमें सबका हिस्सा है, सब मिल करके इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करें और अमन व शांति कायम करें। ये हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम है। शुक्रिया हमसे बात करें। जनपद गाजीपुर के दारुल कजा ऑफिस में मौजूद हूँ और इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद सिराज मक्की साहब से गुफ्तगू करना कर रहा हूँ। आज यहाँ पे जलसा सेमिनार था, इसमें क्या हुआ और कितनी कामयाबी मिली आपको? आज का जो कन्वेंशन था, जिसे हम दारुल कजा कन्वेंशन 2023 के नाम से याद कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह तआला अगले साल भी हम करेंगे, वो 2024 का होगा। तो ये दारुल कजा कन्वेंशन की कामयाबी ये है कि हमने इलाके के लोगों को बुलाया और दूर दराज से, गंगा पार से, करमनासा पार से, सिकंदरपुर करंडा की तरफ से, गाजीपुर शहर से, हर तरफ से लोग आए और दारुल कजा के 1 साल जो कामयाबी से सफ़र तय किया है दारुल कजा ने, जिसमें 28 मामलात आए, 23 मामलात का तस्फिया हो गया, उसे हमने सॉल्व कर लिया। तो उस 1 साल पूरा होने की खुशी में हमने आज का ये दारुल कजा कन्वेंशन किया था और इसमें मर्द हजरात की अच्छी तादाद रही, ख़वातीन भी आई थी। तो मैं समझता हूँ कि दारुल कजा अपनी तरक्की की और मंजिल की तरफ चल रहा है और आज का ये प्रोग्राम इलाके में, दूर दराज तक के इलाकों में तआरुफ़ का ज़रिया बनेगा। सही मानों में देखिए, आपने तारुफ का ज़रिया बनेगा ऐसा बताया है आपने, बिल्कुल सही है। और आम तौर पे हर गांव में, हर जगह, ख़ासकर मुसलमानों के अंदर इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है कि आपसी जो निज़ात, आपसी कोई ख़राबी, आपसी कुछ बातें हो रही हैं, तो उसमें कोर्ट में न जा कर करके दारुल कजा में आएँ, ताकि यहाँ से जल्द उनको इंसाफ़ मिल जाएगा और आपसी मोहब्बत और प्यार की जो समझौता जो हो जाएगा उससे कहीं अच्छा है। ऐसा कि आपने जाना कि कितनी आए और ऐसे फैसले बहुत कम समय में हो रहा है, सबसे अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह यहां का
दारुल क़ज़ा इस पूरे पूर्वांचल के इलाके में बहुत ही उम्दा काम करेगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।